हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। योर होस्ट गौरव विश्वकर्मा। टुडे डिस्कस अबाउट बिहार अमीन कट ऑफ की सेक्शन वाइज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार अमीन का रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। अगर जो अपना रैंक कार्ड नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं। और मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, भारत रिजल्ट, उस पर जाके अपना रैंक कार्ड देख सकते हैं। तो जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो दो सेक्शन में हुआ था। जो सेक्शन ए था जो जीएस 50 क्वेश्चन का था, और सेक्शन बी जो था मैथ 25 नंबर का था। तो उसमें जो सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में कितना कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज, और सेक्शन बी में कितना गया, तो देख रहे कि अनरिजर्व मतलब जनरल जिसको कहते हैं, जनरल मेल कह सकते हैं, तो 20% गया गया है, और सेक्शन बी में 10% गया गया। और फीमेल की बात करते हैं जनरल का, तो 16% मतलब 32% गया गया, मार्क्स 16 और 32% और 8 मार्क्स गया गया। उसी टाइप से बीसी का देख रहे हैं तो 18.25 मतलब 36.5% गया गया है, और सेक्शन बी में उनका मार्क्स कितना लाना था 9.125 मतलब 36.5%। उसी तरह का बीसी का गया है, एबीसी का गया है, एबीसी का यहाँ पे जितना दिख रहा है सबका। तो सेक्शन ए में यहाँ कट ऑफ दिखाया गया कि कितना नंबर मिनिमम लाना ही है, अगर नहीं लाते तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये नंबर सबका दिया गया है, और सेक्शन बी में भी मैथ में, मतलब टोटल 50 में आपको इतना क्वेश्चन जो कैटेगरी वाइज दिया गया है कि जनरल का, तो 20 नंबर आपको एनी हाउ लाना ही है, अगर नहीं लाते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेक्शन बी में उसी तरह है, जो जनरल का 10 दिख रहा है उसी तरह, अगर मैथ में आप 10 क्वेश्चन सही आप नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। जो लोग इतने से अभव हैं उनका रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है, जाइए। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय।